हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर एनएमसी जो है वो वर्क में आ चुका है। अब एनएमसी की अभी तक कोई वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च नहीं की गई थी, जिस वजह से काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेजेस सर्च करते थे इन सब में, तो यहाँ पे नहीं कर पाए थे। तो अब आपको मैं बता दूं कि एनएमसी की जो है खुद की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जा चुका है। आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं nmc.org.in पर विजिट करके। इस वेबसाइट में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, वरना ये वेबसाइट कहीं ना कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट थी उसी प्रकार से यहाँ पे है। लेकिन एनएमसी के आते ही सबसे बड़ा जो डाउट था स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या मेडिकल की कुछ सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ की गई हैं। तो अभी तक अगर एनएमसी की वेबसाइट पे जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें जाके देखें तो 80,055 जो सीट्स हैं जो पहले थी वही सीट्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और 541 मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं वो यूजी के लिए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्टेट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज की मिल जाएगी कि कॉलेज कहाँ पर है, गवर्नमेंटल है, कब इसमें स्टार्ट मिला, कब इसको परमिशन मिली, कब कितनी सीट इसमें इनटेक हैं, और इसमें स्टेटस क्या है इसका, और सब कुछ इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ चेंजेस यहाँ पे ये किए गए हैं कि आपको अगर इसमें जाए इन्फॉर्मेशन डेस्क में इस वेबसाइट की, तो वहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा कि इस कॉलेज को क्या इस साल परमिशन मिली है MBBS टीचिंग के लिए, या फिर इस साल इसको परमिशन नहीं मिली है। कुछ ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बताऊँ कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिले था कि नीट की काउंसलिंग डिले हो सकती है, नीट का रिजल्ट इसलिए डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन अब तो नीट का डिक्लेयर जो रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को किया जाएगा। एनएमसी की वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर भी है जो वहाँ पे स्टार्ट जल्द से जल्द किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा जोसा की काउंसलिंग तुरंत एडवांस के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद स्टार्ट यहाँ पर की जा चुकी थी। तो फाइनली जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसका जो वेब पोर्टल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो विजिट उस पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू।